अगर आपके घर में भी लगा है स्मार्ट मीटर तो आपके लिए है बड़ी खुशखबरी। आपके घर में लगा स्मार्ट मीटर का अगर रिचार्ज हो गया है खत्म तो ना हो परेशान। अब स्मार्ट मीटर का पैसा खत्म होने पर नहीं कटेगी बिजली। जाने स्मार्ट मीटर के इस बेहतरीन खबर के बारे में, आप देखें अंत तक। जी हाँ, अगर आपके भी घर में स्मार्ट मीटर लगा है और उसमें पैसा खत्म हो गया है तो आप घबराए नहीं। जी हाँ, अगर आपके घर में लगा स्मार्ट मीटर का रिचार्ज खत्म हो जाता है और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो उस समय आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। या स्मार्ट मीटर में लगे कल बटन को 20 सेकंड तक दबाए रखने के बाद 72 घंटे के लिए बिजली फिर से शुरू हो जाएगी। फिर आप जैसे ही रिचार्ज करवाएंगे, आपकी राशि का जितना आप उपभोग किए रहेंगे अपने आप उस हिसाब से पैसा काट लिया जाएगा। या शहरी क्षेत्र के 100 स्मार्ट मीटर पर LRF यानी कि लोकल कंट्रोल रिले फंक्शन को शुरू कर दिया गया है। या शहरी क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगा रही कंपनी जीनस पावर लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर विकास कुमार सिंह ने बताया है कि LCRF यानी कि लोकल कंट्रोल रिले फंक्शन को अभी तिलका मांझी विद्युत सब डिविजन क्षेत्र के 4 हिस्सों में शुरू किया गया है। उन्होंने बताया है कि अभी आनंदगढ़, सचिन आनंद नगर, तिलका मांझी, हटिया रोड के कुछ इलाकों में 100 स्मार्ट मीटर पर यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जब ट्रायल सफल होने के बाद शहरी क्षेत्र के साथ साथ जहां भी स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे वहां पर यह सुविधा उपभोक्ताओं को मिलनी शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी ये सभी लोगों को नहीं मिल रही है, मात्र 100 लोगों को मिल रही है, लेकिन अब धीरे धीरे सभी लोगों को ये सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। अब आपका अगर पैसा खत्म हो जाता है स्मार्ट मीटर में तो आपका तुरंत बिजली नहीं काटा जाएगा। स्मार्ट मीटर में एक बटन दिया हुआ रहेगा, उस मीटर को 20 सेकंड तक प्रेस करने के बाद आपका बिजली फिर से शुरू हो जाएगा 24 घंटे के लिए। साथ उन्होंने ये भी बताया है कि अभी तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्र मिलकर के भागलपुर जिले में 81,000 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जबकि जिले में 5,00,000 स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यह प्रोजेक्ट मैनेजर विकास कुमार सिंह ने बताया है कि उपभोक्ता स्मार्ट मीटर में LCRF यानी कि लोकल कंट्रोल रिले फंक्शन का उपयोग महीने में 2 बार कर सकते हैं। एक जब उपभोक्ता का रिचार्ज खत्म हो गया और फिर उसके पास राशि ना हो तब इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर उपभोक्ता रिचार्ज कर दे और वह किसी कारणवश सक्सेसफुल नहीं होता है तो फिर वो उस समय भी उपभोक्ता LCRF का उपयोग कर सकता है। उन्होंने बताया है कि स्मार्ट मीटर में जो बटन लगा हुआ रहेगा उस बटन को 5 सेकंड से 20 सेकंड तक दबाते ही इसका सर्वर कनेक्शन कंप्यूटर से जुड़ जाता है। इसके बाद मीटर ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देता है। इसके अलावा अगर मीटर कम्युनिकेशन छोड़ रहा है तो उस वक्त भी LCRF का उपयोग उपभोक्ता कर सकते हैं। दोस्तों, ये अपडेट बचने तक इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।